मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, रोड स्कॉलर, आपने टीचिंग भी की है आंध्रा में, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, दिल्ली सरकार में 1 रुपए की सैलरी और उससे भी निकाल दी गई, ये क्या जिंदगी चुनी है आपने अपने लिए? सही बात है, जिस दिन जब मैं 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रही थी, एक दिन मेरे फादर मजाक में कहते हैं इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया। तो ओह माय गॉड, क्या बीती होगी उनके दिन पर। एक्चुअली आप देखिए, शुरू से ही, बचपन से ही इस तरह का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन रहा है मेरा। अच्छा। मैं जैसे परिवार से आती हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अच्छा। पर पढ़ाने के अलावा वो बहुत सोशली एक्टिव भी थे और बहुत सारे सोशल इश्यूज को टेकअप करना, कोई भी परेशानी में है उसको मदद करना, सोशल मूवमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना। तो ये जो 1 रुपए की तनख्वाह वाली बात है, हो सकता है कि और लोगों को बहुत बड़ी बात लगती हो, लेकिन हमने बचपन से ऐसे लोगों को अपने घर में देखा है जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी, जिनके पास कोई सैलरी नहीं थी, जो फुल टाइम किसी मूवमेंट में काम कर रहे थे, जो ट्रेड यूनियन में काम कर रहे थे, एनजीओ में काम कर रहे थे। तो शुरू से ही हमने ऐसे लोगों को समाज में कुछ करते हुए देखा। तो मैं ये कहूँगी कि शायद उस तरह से एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थोड़ा अलग था मेरा बैकग्राउंड।